पहाडमा शान्ति बहालीको लागि गोजमुमो अध्यक्ष विनय तामाङ र महासचिव अनित थापाले राज्य सरकारसित मिलेर कार्य गरेको तर यसपालि विमल पन्थीले अचानक राजनीतिक पार्टी तृणमूल कङ्ग्रेससित मिलेको गोजमुमो खरसाङ महकुमा समितिको कार्यकारी सभापति समीरदीप ब्लोनले खरसाङको शान्ति जुलुस र पदसभा पश्चात पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै बताएका छन्। उनले विनय अनितको अगुवाईमा 3 वर्षसम्म पहाडमा अशान्ति र हिंसा भएन अनि पहाडमा शान्ति कायम रहेको थियो तर अब फेरि पहाड अशान्ति गर्ने प्रयास गरे हामी यसको विरोध गर्नेछौँ। आज हामीले खरसाङमा पहाड शान्तिमय राख्नुपर्छ भनी शान्ति जुलुस निकालिएको र पहाडका जनताले शान्ति चाहन्छ भनी आजको जुलुसले प्रमाणित भएको पनि बताएका छन्। हामी र्याली निकाल रहे हैं, ये आप लोग क्यों अनसर्टेन है आप लोग को पढ़ा कि पहाड़ अशांति होगा? नहीं, ये बात देखिए, जो 2017 में जो अभी का अध्यक्ष विनय तामाङ जी और महासचिव अनित थापा ने एक कदम चलाया था कि हम लोग पहाड़ में शांति श्रृंखला कायम रखना है, इसीलिए गवर्नमेंट के साथ एक अंडरस्टैंडिंग में आकर के ये किया था। हाँ, लेकिन अभी अचानक जो हमारा प्रीवियस अध्यक्ष था, जब कलकत्ता में आकर के जब वो उधर एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि और इस बार हम मिस ममता बनर्जी के साथ आएंगे, तब से पहाड़ में क्या हो गया, पोस्टरिंग हो गया। उनका समर्थक जो 2000 आदमी था, उनका एक तो पोस्टरिंग हुआ और पोस्टरिंग में क्या लिखा था कि अभी फिर यहाँ पहाड़ में खून का राजनीति होगा और हम लोग यहाँ पर ऐसा होने नहीं देंगे बोल करके एक हम लोग शांति जुलूस हम लोग आज किया था। क्योंकि जो 3 बरस जो अनित थापा जी और विनय तामाङ जी जब ये आया सरकार में आकर के जो किया था, तब आज देखिए आप भी आप रिपोर्टर है तो देख लीजिए कि 3 बरस में ना एक बार स्ट्राइक हो गया, ना किसी को पुलिस से एक लट्ठी मारना पड़ा, इतना शांति श्रृंखला यहाँ पर है। तो अभी ये जो भंग होने का जो चांसेस है, तो हम पहाड़ का जनता का क्या है मनोभाव, ये क्या चाहते, इसीलिए हम लोग एक रैली किया था और आज देखा प्रमाण हो गया कि हमारा पहाड़ का जनता शांति श्रृंखला चाहते, ये क्लियर हो गया। आज जो जन भेला यहाँ पर भेला हो गया था आदमी लोग, ये प्रमाण करते थे कि इट इज़ अ प्रूफ कि यहाँ पर आदमी लोग यहाँ पर कि शांति चाहते हैं। अगर हम लोग पहले भी बोला था, हम लोग भारतवर्ष में एक तो गणतांत्रिक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं और यहाँ पर जिसको भी पॉलिटिक्स करना चाहने वाला जो भी कर सकता है, जहाँ पर भी कर सकता है, लेकिन हमारा इतना स्टैंड है कि जो अशांति है जब आएगा तो उसका प्रतिवाद हम लोग करेंगे। हम किसी को भी ये हम भगौड़े ये सब नहीं बोलेंगे हम लोग। जो किया था हिस्ट्री वो किया था और आदमी लोग का यहाँ का जनता का समझ में आ गया कि कौन पहाड़ का सही नीति नेता है और कौन नेतृत्व दे सकता है, ये हम लोग का क्लियर है विजन। लेकिन जब अशांति हो जाएगा तब ये यहाँ का जनता लोग ये कदाचित स्वीकार नहीं करेंगे। कर सकता है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, कर सकता है, हम लोग उसको तो अपोज नहीं करेंगे। यानी कि विनय खेमा जो है वो पीस चाहते हैं पहाड़। यस यस, वी आर डेफिनेटली फॉर दैट। क्योंकि जब 2017 में हम लोग बोला था कि जो आंदोलन हो गया था, दिशाहीन आंदोलन जो चल रहा था यहाँ पर और जो बंदूक बारूद का आंदोलन चल रहा था, इसीलिए हम लोग चाहते थे कि बंदूक बारूद का आंदोलन बंद हो, हम लोग पीस, एक तो डेमोक्रेटिक कंट्री में डेमोक्रेटिक प्रोसेस से हम लोग आंदोलन करना चाहते थे, वही से हम तो 2017 में तो प्रमाण कर दिया था। चाहे अनित खेमा हो चाहे विमल, अभी जो विमल खेमा हो, विमल दोनों ही TMC यानी ममता के छत्र छाया में आ रहा है, तो इसके बारे में क्या बात? नहीं देखिए, गलत बात है, कुछ नहीं गलत है। हम लोग TMC से नहीं, हम लोग राज्य का सरकार से नहीं। ये दो बात है, दो CM शी इज द सुप्रीमो ऑफ TMC पार्टी, लेकिन अनित जी और विनय तामाङ जी द चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल। क्या था
उन्होंने किया टीएमसी से समर्थन, हम लोग किया था एक तो एउटा ऑफिशियल जीटीए का ऑफिशियल डेलीगेशन एक तो ये हो करके हम लोग बातचीत टू विद द जीटीए ऑफिशियल्स एंड द सीएम ऑफ बंगाल, ये डिफरेंस है बात। हम लोग सीएम से बात किया, वो लोग टीएमसी सुप्रीमो से किया है, दैट इज द डिफरेंस। तो आप बंगाल का दैट इज नॉट आवर ओपिनियन, दैट इज नॉट इन अ ज्यूरिसडिक्शन, दैट इज नॉट इन अ परव्यू, दैट इज देयर परव्यू, दे विल सी टू दैट, वी कैन वी डोंट हैव एनी वॉइस इन दैट एंड देयर इज नो कमेंट इन दैट आल्सो। आई एम प्रेजेंटली माय नेम इज समीर दीप लोन, आई एम द वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ गोरखा जनमुक्ति मोर्चा कर्सियोंग सब डिविजनल कमेटी।